अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको DHA फेज़ 1 कराची में शॉप रेंट आउट करनी हो या रेंट पे लेनी हो तो कम से कम कितने किराए पे आप जो है वहाँ पे दुकान हासिल कर सकते हैं किराए पे। इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया DHA की एक्सपर्ट मिस हलीमा को, जो हमें बताएंगी कि DHA फेज़ 1 में एक अच्छे रेंट की दुकान कितने रेंट पे मिल जाएगी। तो आइए उन्हें अपने शो में इन्वाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं सलीमा, एज़ DHA रियल स्टेट एक्सपर्ट, आपके पास इन्वेस्टर्स आते होंगे जिन्हें DHA फेज़ 1 में जो शॉप रेंट पे लेनी होती होगी, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, DHA फेज़ 1 की अगर हम रेंटल की बात करते हैं तो DHA फेज़ 1 पे हमारे पास जो रेंटल्स हैं वो डिफरेंट हैं रेंटल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमारे पास 100-200 यार्ड की जो बिल्डिंग्स हैं जो कमर्शियली हैं, उसमें हमारे पास जो अब जो न्यूली कंस्ट्रक्शन हैं उसमें ग्राउंड प्लस बेसमेंट बनाया जा रहा है, और अक्सर जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैं वो जस्ट ग्राउंड के ऊपर हमें मिलती हैं, बेसमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हम ग्राउंड की जैसे हम बात करते हैं तो ग्राउंड के रेंटल्स कम से कम हमारे पास स्टार्टिंग जो DHA के अंदर होता है सबसे छोटी दुकान 30,000 से लेकर रेंटल है हमारे पास, डिफरेंट 1.5 से 2 लाख रुपए रेंटल्स हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास कि वो बिल्डिंग की कवर्ड एरिया कितना है, कंस्ट्रक्शन मीन्स कि अगर फर्स्ट करें कि 100 स्क्वायर फीट की या 150 स्क्वायर फीट की दुकान है तो कम से कम हम अपने माइंड में रखें कि 30,000 हमारे पास रेंटल है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं उससे बड़ी शॉप्स की अगर हम बात करते हैं 550 या 600 स्क्वायर फीट के, तो कम से कम हमारे पास फिर वो रेंटल्स जो आ जाते हैं वो तकरीबन 120-130 के रेंटल के अबव आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम 200 गज का ग्राउंड और बेसमेंट रेंट आउट करते हैं, अगर किसी अब अक्सर ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं हमारे जो कि अभी लास्ट हमने अभी रेंट आउट की है, जो कि मीन्स के उनको ग्राउंड भी चाहिए है और प्लस मेज़नाइन भी चाहिए और इवन बेसमेंट भी चाहिए, तो उन क्लाइंट्स के लिए भी हमारे पास एक अच्छे ऑप्शन हैं जो ग्राउंड बेसमेंट और मेज़नाइन लेना चाहते हैं, अच्छी बड़ा फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं, आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और फेज़ 1 वो पुराना फेज़ है जिसे मैं तमाम वीडियोस में फेज़ 1 की कहती आई हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कमर्शियली जो है अगर हम देखा जाए तो फेज़ 1 सबसे ज़्यादा कमर्शियली है, तो इस वक्त हमारा कमर्शियल बहुत चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सलीमा मैं अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, अगर आप कराची के DHA फेज़ 1 में शॉप किराए पर हासिल करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रابطہ करें, और तब तक मैं अपने होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।